अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आरिफ रमज़ान चतोई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ARJ। नाज़रीन, सफारी पार्क के अंदर हम मौजूद हैं और सफारी पार्क में बहुत सारी चीज़ें हैं, गाय बगैर मैं आप लोगों को उनसे वाकिफ़ भी करवाता रहूँगा। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था सफारी पार्क के अंदर जो एक पहाड़ी सिलसिला है, ट्रैक्स हैं, हैकिंग वालों के लिए बहुत अच्छी और उम्दा जगह बनाई हुई है। आज जो वीडियो मैंने आपको बनाई है, ये वीडियो है बेसिकली सफारी पार्क की झील के मुतालिक। मेरे अकब में आप देख रहे हैं ये झील है, बहुत ही ज़बरदस्त झील है और इस झील ये बहुत गहरी झील है, कमोबेश इसके ये कोई 60 फिट के गहराई है, इसकी 60-70 फिट की इसकी गहराई है। और इस झील के अंदर कई तरह के आबी परिंदे जो हैं वो मौजूद हैं, बतखें हैं और इसके अंदर मुर्गाबियाँ हैं और ये आप देख रहे हैं ये चबूतरा भी एक वहाँ पर अच्छा सा खूबसूरत सा बनाया गया है। और इस झील के अंदर एक और चीज़ है, इसके अंदर जो है वो कश्तियाँ मौजूद हैं और आने वालों के लिए कश्तियों का एक बेहतरीन, यहाँ लोग कश्तियों में घूमते हैं और अपनी तौर पे चलाते रहते हैं, चप्पू चलाते रहते हैं। चप्पू कहाँ से है भाई, ये जो खजूर का तना है इसको चप्पू बना करके इसके साथ ये जनाब इस पर घूमते रहते, तो इन्जॉयमेंट का एक बेहतरीन यहाँ पर सिलसिला है, एक बहुत ज़बरदस्त। हमारे छोटू जो हैं ये आप देख रहे हैं, मेरा बेटा जो है हंजला, ये इनको जो है वो अक्सर ये दाने डालता रहता है, ये देखिए। तो जहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर बच्चों के खेलने की जगह है, यहाँ पर बड़े कुशादा मैदान हैं, ग्रीन मैदान हैं वो हैं, वहीं पर ये झील भी अपना एक खूबसूरत मंज़र पेश करती है। ये कश्ती है, इसकी हमने भी सवारी की है, खुद ही चलाया, खुद ही भागे, बीच में घूमते रहे, डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत गहरी है, अगर हल्की सी भी ऊँच नीच हुई तो सीधा अंदर। लेकिन एक बहुत अच्छा खूबसूरत आप देख रहे हैं, इस मंज़र को आप इंजॉय करें, इस झील का इतना प्यारा मंज़र। और ये आपको कराची के अंदर ही मुयसर है, गुलशन इकबाल के अंदर सफारी पार्क, आप जानते हैं बहुत अच्छा सा बेहतरीन सा ये सफारी पार्क का ये एक जगह है। और यहाँ पर ये झील, बेहतरीन झील, अगरचे इसका पानी साफ़ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इसमें जमा है। इस झील के अंदर मछलियाँ भी हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब मछलियाँ मौजूद हैं इसमें, और ये परिंदे भी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये कश्ती तो है ही, फैमिली टाइप की कश्ती है, क्योंकि फैमिली के साथ अगर अंदर जाता है तो। जो लोग इस्लामाबाद गए हैं वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी झीलों के अंदर इंजॉयमेंट की है। अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो अब यहाँ पर आते तो आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलती है, इसके कोई पैसे नहीं है, फ्री हैं, ये छोटे जानवर हैं बहुत सारे, ये बिल्कुल फ्री आपको इस झील के साथ ही ये जानवर नज़र आएंगे। झील गहरी है, इसकी ये हिदायत लिखी हुई है और बच्चों को अंदर लेकर ना जाएं। तो ये झील है, अभी हम इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये चलती है, चलाते हैं, फिर वापसी आएंगे और आपको मज़ीद बात करेंगे। तो अंदर जाके फिर हम वापसी आएंगे। ये जो कश्ती है ना, ये खुद पाँव से चलाने वाली है और इसमें दो बंदे बैठते हैं और इसको खुद ही चलाते हैं। तो ये झील में हमने कोशिश की, कुछ छोटू भी हमारे साथ है, ये छोटा भाई है मेरा आतिफ जो वीडियो एडिटिंग का काम करता है, तो ये भी इसमें शामिल है, बैठा हुआ साथ। तो है तो बहुत गहरा, डर भी लग रहा था, लेकिन बहरहाल इसको हमने ट्राई करना था तो सो ट्राई किया है, बड़ा मज़ा आया। यकीन करें अगर आप कराची में ऐसी जगह मिल जाए तो यकीनन एक बेहतरीन ज़बरदस्त जो है वो एक तरह से तजर्बा है, एडवेंचर है। और ये झील यकीनन शहर के बीचों बीच में जब बनी हुई है ना, तो बहुत ही एक ज़बरदस्त इसका लुक है, बहुत ही प्यारा। और इस झील के साथ एक छोटा सा चश्मा भी है, पानी अगरचे वो चश्मे वाला नहीं है, मतलब ज़मीन से नहीं आता, लेकिन चश्मे का जो एक बहुत एक खूबसूरत सा वो बनाया गया वो भी है। Thank you.
नाज़रीन हम नीचे से घूमकर आ गए और बड़ा मज़ा आया। चलें जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।